तो दोस्तों आज है 20 अप्रैल 2022। बात करेंगे इस वीडियो में शोक लीलैंड लिमिटेड के बारे में, जो कि व्हीकल सेक्टर का काफ़ी दिग्गज कंपनी है। और शोक लीलैंड लिमिटेड लगातार मार्केट में भी ब्रेकआउट रहता है। और शोक लीलैंड लिमिटेड के ऊपर ब्रोकरेज ने आज के दिनों में जो टारगेट दिया है काफ़ी ऊपर दिया है, ये भी मैं बताऊँगा। तो शोक लीलैंड लिमिटेड की बात करें फंडामेंटल की, तो अभी के समय में शोक लीलैंड लिमिटेड 127 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहे हैं। और शोक लीलैंड लिमिटेड की फंडामेंटल के अकॉर्डिंग बात करें वन डे में, तो 2.5% का अपर सर्किट लगा चुका, जो कि वोलेटिलिटी में ही अभी के समय में चल रहा है। और शोक लीलैंड लिमिटेड की वन मंथ की बात करें तो वन मंथ में 15% का ब्रेकआउट देश में भी सॉलिड फेज वोलेटिलिटी में ही दिया है। और शोक लीलैंड लिमिटेड की मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट में भी 5539% का ब्रेकआउट दिया है। यानी कि शोक लीलैंड लिमिटेड की मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो मल्टी बायर स्टॉक्स की तरह अपने शेयर होल्डर को रिटर्न दिया है। यानी कि जो शोक लीलैंड लिमिटेड है काफ़ी वेटेज कंपनी दिख रहा है, जो कि अपने शेयर होल्डर को बड़ा से बड़ा ब्रेकआउट दिया है। और शोक लीलैंड लिमिटेड की बात करें मार्केट लिस्टिंग की, तो 2.26 रुपया पर लिस्टिंग हुआ था 99 में। और शोक लीलैंड लिमिटेड की सबसे हाई सपोर्ट लेवल की बात करें तो 163 रुपीज़ के लेवल के आसपास इसका हाई सपोर्ट लेवल बना था, जो कि 2018 में। फिर ये पेनी स्टॉक नीचे गिर गया, जो कि 2020 में, यानी कि कोविड के समय, जिस समय सभी मार्केट में क्रैश ही क्रैश देखने को मिला, चाहे US मार्केट हो या इंडिया मार्केट हो या निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स हो, सभी मार्केट में गिरावट ही गिरावट देखने को मिला। फिर यहाँ सपोर्ट लेवल जो बना 2020 में शोक लीलैंड लिमिटेड की, तब से ये कंपनी वोलेटिलिटी में ही चल रहा है। यानी कि अभी के समय भी देख सकते हैं कंपनी ऊपर सर्किट यानी कि अपर सर्किट में ही चल रहा है। यानी कि जो शोक लीलैंड की कंपनी है, जो काफ़ी वोलेटिलिटी में ही अभी के समय में चल रहा है। ये जो शोक लीलैंड लिमिट कंपनी है, जो मार्केट ओपन इंडिया की बात करें, यदि आज के दिनों में तो 125.95 पैसा पर मार्केट ओपन हुआ था। हाई की बात करें 128.10 है, लो की बात करें 124 इस कंपनी की लो है। यानी कि आज के दिनों में ट्विडे की बात करें शोक लीलैंड लिमिटेड में अपर सर्किट की, तो 3 रुपया का बड़ा ब्रेकआउट लगा था शोक लीलैंड लिमिटेड में आज के दिनों में, जो कि देख सकते हैं। मार्केट कैप की बात करें 37.41 करोड़ है। पीई रेशियो की बात करें तो कुछ भी नहीं। और डिविडेंड की बात करें 0.47% इस कंपनी का डिविडेंड भी मिल चुका है। यानी कि शोक लीलैंड लिमिटेड की बात करें तो पहले से इस कंपनी का डिविडेंड भी मिल चुका है। यानी कि ये जो कंपनी है काफ़ी प्लस पॉजिटिव पॉइंट में ही देखने को मिलता है और फंडामेंटली स्ट्रांग दिख रहा है ये पेनी स्टॉक। अब जो इस पेनी स्टॉक की बात करेंगे 52 वीक की हाई CDPA स्कोर की, तो 52 वीक में हाई CDPA स्कोर 153 रुपीज़ है और लो CDPA की बात करें तो 93 रुपीज़ है। ओवरऑल बात करें तो शोक लीलैंड लिमिटेड में जितने भी फंडामेंटल टर्म्स की बात किए, सभी टर्म्स में कंपनी मल्टी बायर स्टॉक्स की तरह अपने शेयर होल्डर को रिटर्न दिया, जो कि मैक्सिमम चार्ट में 5000 से भी ज़्यादा कंपनी रिटर्न दे चुका है। यानी कि ये जो कंपनी है काफ़ी अच्छा और काफ़ी ब्रेकआउट लेवल में चल रहा है। अब जो शोक लीलैंड लिमिटेड के ऊपर ब्रोकरेज ने जो टारगेट दिया है उसके ऊपर हम कवर करते हैं। ये देख सकते हैं 1 आवर पहले का जो न्यूज आया था द हिंदू इकोनॉमिक्स टाइम में, जो कि इस न्यूज के ऊपर हम थोड़ा हेडिंग लाइन से आपको बताते हैं कि ब्रोकरेज का इस कंपनी का टारगेट किया है। ये देख सकते हैं जो कि शोक लीलैंड लिमिटेड का जो सिंबल है, जो कि एक व्हीकल सेक्टर का काफ़ी नामी और दिग्गज कंपनी है शोक लीलैंड लिमिटेड, जिसका हम लोग भी गाड़ी वगैरह यूज करते हैं शोक लीलैंड लिमिटेड कंपनी का। और इसका जो टारगेट प्राइस है देख सकते हैं, बाय शोक लीलैंड टारगेट प्राइस ₹158 सेंट्रम ब्रोकिंग। यानी कि शोक लीलैंड लिमिटेड अभी के समय जो 127 रुपया पर ट्रेड कर रहा है, वहीं जो ब्रोकरेज ने उसका टारगेट दिया 158 रुपया। यानी कि इसका ब्रोकरेज अपर सर्किट का जो टारगेट 158 रुपया तक जाएगा शोक लीलैंड लिमिटेड। तो ब्रोकरेज ने भी इस कंपनी पर टारगेट दिया। और शोक लीलैंड लिमिटेड की बात करें तो काफ़ी बड़ा वेटेज और दिग्गज कंपनी है, जो कि लगातार मार्केट में भी ब्रेकआउट रहता है। और कल के दिनों में एक न्यूज आया था, जो न्यूज में आपको कवर कराया था, जो कि महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप करके कमर्शियल व्हीकल में बिजनेस बढ़ाएगा, ये भी प्लस पॉजिटिव। यानी कि शोक लीलैंड लिमिटेड की बात करें
तो लगातार मार्केट में कोई ना कोई ब्रेकआउट और प्लस पॉजिटिव पॉइंट ही देखने को मिलता है। अशोक लेलैंड काफ़ी वेटेज और दिग्गज कंपनी है, मात्र अभी के समय में 128-130 रुपये के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। यदि आप 30 क्वांटिटी भी बाय करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अशोक लेलैंड में आप होल्ड करते हैं तो आपको श्योर है 100% है कि अच्छा से अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि कंपनी काफ़ी वेटेज और दिग्गज कंपनी है।